हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, होंडा की सिटी है, 2014 का मॉडल है, पेट्रोल कार है। तो इसका एयर कंडीशन सिस्टम बंद पड़ा हुआ है। तो मैं इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद देखा कि इसका इवापोरेटर कॉइल लीकेज हो गया है। तो इस वजह से मैं इसका डैशबोर्ड खोलने वाला हूँ। डैशबोर्ड खोल के कूलिंग कॉइल यानी इवापोरेटर कॉइल रिप्लेस करने वाला हूँ। तो इवापोरेटर कॉइल रिप्लेस करने के लिए मेरे को डैशबोर्ड खोलने की ज़रूरत है। तो और एक बात मैं इम्पोर्टेंट बात ये बोल देता हूँ कि बहुत से भाई का कमेंट है या फिर बहुत से भाई को ऐसा भी लगता होगा कि इसका साइड से खुल जाता है डैशबोर्ड, ये कूलिंग कॉइल निकल जाता है। तो मैं आपको ये ग्लो बॉक्स पहले से खोल के रखा हूँ और ब्लोअर का जो डक्टिंग है पूरा सेटअप खोल दिया हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि इसका न्यू मॉडल जो दिया है उसका इस साइड से निकलता नहीं है। हालांकि यहाँ दिखता है यहाँ से कूलिंग कॉइल, लेकिन बट पहले वाले मॉडल में क्या दिया था, यहाँ एक फाइबर दिया था जो कि इजीली हम इसको खोल देते हैं, स्क्रू दिया हुआ रहता था चार, और इजीली निकाल देते थे और कूलिंग कॉइल यहाँ से रिप्लेस हो जाता था। लेकिन बट ये वाली मॉडल में नहीं दिया है और ये इसका डैशबोर्ड आपको खोलना ही पड़ेगा। तो इस वजह से मैं ये चीजें मैं आपको दिखा दिया, ताकि आप काम कर रहे हैं या फिर जो भी हो एक्सेट्रा, तो आपको समझ में आ जाए जल्दी से। तो इसके लिए इसका डैशबोर्ड खोलना ही पड़ेगा। तो चलो फिर मैं सबसे पहले बैटरी की वायर निकाल देता हूँ। बैटरी की वायर निकालने के बाद सबसे पहले कंसोल बॉक्स खोलता हूँ। कंसोल बॉक्स खोलने के बाद सब धीरे धीरे एक एक करके मैं खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ क्या क्या खोलना पड़ रहा है। तो इससे पहले मैं 2016 मॉडल का सीएनजी प्लस पेट्रोल का होंडा सिटी का डैशबोर्ड ओपन करके हीटर कॉइल रिप्लेस कर चुका हूँ, क्योंकि उसमें हीटर नहीं चल रहा था। तो आप उस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ उसका लिंक दिया हुआ रहेगा और आप जाकर के वहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलो फिर मैं अपना काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलो फिर बैटरी की वायर निकाल के आते हैं हम। तो फाइनली मैं बैटरी की वायर निकाल दिया हूँ। तो कंसोल बॉक्स खोलने के लिए सबसे पहले आपको ये जो देख रहे हैं ये खींचेंगे, निकल जाएगा। उसके बाद ये बॉक्स ऊपर आएगा, बॉटल वगैरह होल्ड करने का रहता है ये। माइनस इसको डॉर से आपको कटाना पड़ेगा इसको। तो चलो फिर इसको मैं निकालता हूँ, निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ, क्योंकि एक हाथ से अपने को जम नहीं रहे इधर, इस वजह से निकल नहीं रहा है। तो चलो फिर निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली ये बॉक्स निकाल दिया। अभी एक स्क्रू यहाँ देख रहे हैं और दो 8 नंबर बोल्ट इसके अंदर रहेगा, और उसके बाद ये खोलने के बाद ये हीटर है। लेकिन बट अपने को ये वाला पैनल खोलना पड़ेगा, क्योंकि पीछे दो सॉकेट रहेगी, वो दिखा देता हूँ मैं आपको पीछे जाके। ये खोलना पड़ेगा, इसको आप खींचेंगे, कुछ स्क्रू वगैरह नहीं रहता है इसमें। खोलने के बाद ये बाहर आ गया, और इसमें जो देख रहे हैं ना ये सॉकेट, ये दोनों एक पावर आउटलेट का और पावर आउटलेट का दोनों जो 12 वोल्ट का है, ये दोनों पीछे से सॉकेट खोलना पड़ेगा आपको, या फिर सॉकेट खोले या फिर इसको दो स्क्रू दिया है, दो स्क्रू खोल के अलग कर दे इसको। तो मैं सॉकेट ही निकाल देता हूँ। तो दोनों सॉकेट निकाल चुका हूँ, अब ये मेरा बाहर आ जाएगा पूरा। तो चलो आगे एक स्क्रू है, वो स्क्रू खोल के फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। तो यहाँ का स्क्रू भी खोल दिया हूँ, और ये वाला अटकेगा अपने को, ये भी निकाल दिया हूँ। और इसमें दो क्लिप रहता है, एक इस साइड रहेगा क्लिप, ये देख रहे हैं, और एक इस साइड दिया हुआ रहता है। तो यहाँ का दोनों भी खोल दिया मैं सब, अभी ऊपर आ जाएगा मेरा। तो ये अपना गियर का जो नॉब है इसको घुमा घुमा के खोल देने का, क्योंकि ये वाला खोलने के लिए अपन जाएंगे तो इसको नीचे से स्क्रू दिया हुआ रहता है, तो इसको खोलेंगे तभी वो खुलेगा। तो ये खुल गया, अब इसको इधर से ऊपर लेंगे। ये भी निकल गया, और इसको मैं बाहर होल्ड पीछे होल्ड कर देता हूँ। अब अपने को क्या खोलने की ज़रूरत है, ये डक्टिंग खोलने की ज़रूरत है, ये देख रहे हैं, ये डक्ट खोलना है अपने को, और गियर बॉक्स खोल के पलटी मारना है। तो ये डक्ट खोलता हूँ, इसको क्लिप दिया है एक, और दो इधर दिया है, ये खोल के फिर इसको
डक्ट को भी अलग कर देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ मैं। तो इसका तीनों केबल निकाल दिया हूँ, सॉरी केबल बोल रहा हूँ, तीनों क्लिप निकाल दिया हूँ, और ये इजिली आगे अपना पीछे इसको भी होल्ड कर देता हूँ। और गियर बॉक्स में जो देख रहे हैं 10 नंबर दिया है 4, ये खोल के इसको पलटी मार देता हूँ ताकि अपने को स्पेस मिल जाए, डैशबोर्ड पलटी मारेंगे इसकी वजह से। तो चलो फिर ये खोल के पलटी मार के फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो चारों 10 नंबर खोल के गियर बॉक्स को पलटी मार दिया हूँ, और ये वाला जो सॉकेट है एयरबैग मॉड्यूल में जो सॉकेट आया है ये निकालना पड़ेगा आपको, और ये वाला 2-3 क्लिप रहेगा इधर खोल देंगे हो जाएगा। और ये कटिंग का दिया है, ये खोलना पड़ेगा। ये खोलने के बाद इधर का काम ख़त्म हो गया अपना। तो अब इस साइड आते हैं, इस साइड सबसे पहले ये पैनल खोलना पड़ेगा। ये पैनल खोलने के से पहले ये वाला पैनल खोलना पड़ेगा आपको। ये पैनल खोलने के बाद ये स्क्रू रही 8 नंबर, ये खोलेंगे फिर उसके बाद ये निकलेगा। तो चलो फिर मैं इसको खोलता हूँ, खोल के निकालता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो देख रहे हैं ये खोल दिया हूँ, ये अपना निकल जाएगा, निकल गया। इसमें सॉकेट रहेगी 2, सॉरी 1, ये वाली हेडलाइट एडजस्ट करने का। तो ये सॉकेट निकाल के फिर निकल गया। तो उसके बाद अपने को क्या खोलने की ज़रूरत है, तो ये 12 नंबर देख रहे हैं, और एक ये 12 नंबर, ये खोलना पड़ेगा, ये दोनों खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये सॉकेट देख रहे हैं, ये सब सॉकेट है, खोलना पड़ेगा अपने को। स्टेयरिंग कॉलम को खोल के, स्टेयरिंग यूनिवर्सल जॉइन को खोल के अलग करना पड़ेगा यहाँ से अपने को। उसके बाद यहाँ यह है 10 नंबर 1। तो चलो ये सब धीरे धीरे मैं खोलता हूँ, खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ क्या क्या खोलना पड़ रहा है अपने को, वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो फाइनली लगभग इस साइड का मैं सब कुछ खोल दिया हूँ। ये सॉकेट रही, 3 में से 2 सॉकेट खोलना पड़ा, 1, 2 ये सॉकेट नहीं था। और ये सब सॉकेट पावर विंडो की सॉकेट, ये 2 रहता है, तो इसको खोलेंगे तभी निकलेगा यहाँ से। और फ्यूज बॉक्स का जो 10 नंबर है मैं खोल के ऊपर ले लिया हूँ उसको। और ये सब सारी इतनी सारी सॉकेट खोलना पड़ा है अपने को, देख लीजिए आप, ये सब सॉकेट खोलना पड़ा अपने को। और एक रही 12 नंबर, ये वाला ये खोला नहीं हूँ क्योंकि एक खोल चुका हूँ, क्योंकि सपोर्ट के लिए रखा हूँ अभी थोड़ा, क्योंकि उस साइड का खोलना बाकी है, ये खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये रही यूनिवर्सल जॉइंट, वहाँ से निकाल दिया हूँ मैं ये बोल लूज करके, क्योंकि ये हाइड्रोलिक वाला है, प्रेस वाला ऊपर नीचे जाता है। उसके बाद ये वाली पट्टी, वो पट्टी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये वाली पट्टी रहता है फिट, ऐसा फिट रहता है ऊपर तक। ये खोला हूँ, यहाँ का 10 नंबर खोला हूँ, ये यूनिवर्सल जॉइंट खोल दिया हूँ, यानी इस साइड का फाइनली सब पूरा खुल चुका मेरा अपना। और बाकी रहा एक ये वाला फाइबर, ऐसे खुलेंगे ये खुल जाएगा, यानी लगभग इस साइड का पूरा मेरा खुल चुका है। अब मेरे को उस साइड जाना है, उस साइड जा करके खोल के फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो चलो फिर उस साइड चलते हैं अपन, उस साइड जाने के बाद फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो इस साइड का आप देख लीजिए क्या क्या खोला हूँ मैं। ये सब सॉकेट तो मैं यहाँ लोड का पूरा सेटअप खोल के इसलिए खोला था ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि कूलिंग कॉइल बगैर डैशबोर्ड खुले इसका निकलता नहीं, ये वोली मॉडल का। तो ये सब सॉकेट निकालना पड़ा है अपने को। और इधर का एयरबैग का सॉकेट, और ये कुछ पावर विंडो की सॉकेट रही, ये वाली सॉकेट यहाँ का, ये वाली वायर का, और एक ये वाली सॉकेट, ये सब सॉकेट खोल चुका हूँ मैं। और बाहर का दोनों 12 नंबर खोल दिया हूँ, और उसके बाद मेरे को इधर कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं है। क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट जो है ये तो बाद में निकलेगा, पहले डैशबोर्ड निकलेगा विथ एंगल के साथ, बाहर भी कुछ खोलने की ज़रूरत है नहीं अपने को अभी। और बाकी रही एक ये सॉकेट, ये वाला सॉकेट निकाला नहीं हूँ मैं, ये सॉकेट निकालना पड़ेगा। उस साइड का पैनल खोल दिया हूँ, उस साइड भी एक सॉकेट है, वो निकालना पड़ेगा। बस ये सब चीज़ें निकाल के स्टीयरिंग जब आप यहाँ से नीचे से जो निकालेंगे ना, इसको लॉक कर देना है पहले, स्टीयरिंग लॉक करके ही तब खोलना, ताकि आपको बाद में फिटिंग करने टाइम कोई अड़चन ना आए। तो चलो फिर मैं इसको बाहर निकालता हूँ, निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। बाकी सब चीज़ें मैं बता दिया हूँ आपको, क्या क्या खोलना पड़ा मेरे को, क्या क्या खोलना पड़ता है।
तो चलो फिर मैं इसको पलटी मारता हूँ, पलटी मार के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली पलटी मार दिया डैशबोर्ड, देख रहे हैं अब मेरे को, देख पा रहे हैं डैशबोर्ड वगैरह पलटी मार चुका हूँ मैं। ये रही एयरबैग, इसका टेप वगैरह, स्टेयरिंग वगैरह सब दिख रहा है आपको। तो चलो फिर मैं इसको क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट को खोलता हूँ। देखो यहाँ से किसी ने पहले से तोड़ रखा है, किसी ने खोला है। तो एक बोल्ट यहाँ रहता है नट, और एक इधर है। बाकी ये ब्लोअर का सेटअप तो पहले ही खोल दिया था मैं, और दो नीचे रहेगा, एक साइड नीचे रहेगा, वो भी दिखा देता हूँ आपको। नहीं दिया है, एक बाहर से दिया रहेगा इसको, दो ऊपर से ही दिया है बस। तो चलो फिर मैं इसको खोलता हूँ, खोल के बाहर निकाल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। बाहर से मेरे को एक्सपेंशन वाल के पास का ज्वाइंट खोलना पड़ेगा, बाकी और कुछ खोलने की ज़रूरत है नहीं, और हीटर का दोनों पाइप। तो खोल के फिर आगे दिखाता हूँ आपको। तो बाहर से कुछ खोलने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, बस अपने को ये वाली एक्सपेंशन वाल के पास का ज्वाइंट और ये हीटर का पाइप दोनों, तो मैं खोल दिया हूँ। तो फिर चलो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बाहर निकाल के फिर आगे दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली ये निकल चुका अपना, सेंसर नर रहे। और एक चीज़ बताना भूल गया था मैं कि बाहर से ये वाली जो है ना, इसमें 11 नंबर नट रहता है, ये खोलना पड़ेगा, बाकी सब खुल चुका है। चलो फिर इसको मैं बाहर लेता हूँ, बाहर लेकर के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। फाइनली इसको मैं बाहर ले लिया हूँ, ये इस साइड से खुलता क्यों नहीं है, ये देख रहे हैं यहाँ कूलिंग कॉइल दिख रहा है। ये इस साइड से इसलिए नहीं खुल रहा है क्योंकि ये जो पूरा जो है ना, ये पीछे साइड से दिया है, जो कि गाड़ी के अंदर बॉडी के साइड टच रहता है, इस वजह से ये वाला स्क्रू, ये स्क्रू खुलना रहता है, इस वजह से साइड से निकलता नहीं है इसका कूलिंग कॉइल, बस और दूसरा कुछ नहीं। तो चलो फिर ये सब मैं स्क्रू खोलता हूँ, ये स्क्रू और इधर लॉक रहेगा, ये सब खोल के फिर कूलिंग कॉइल को बाहर निकाल के फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो फाइनली कूलिंग कॉइल का पोर्शन खोल चुका हूँ मैं, जैसा कि देख पा रहे हैं पूरा खुल चुका है, और इसका हीटर कॉइल भी देख लीजिए, हीटर कॉइल कैसा दिख रहा है। तो चलो फिर ये कूलिंग कॉइल खोलता हूँ, खोल के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली देख रहे हैं कूलिंग कॉइल खोल दिया हूँ, लीकेज का तो देख रहे हैं सरने को आ गया, पूरा सर गया है, और इस साइड देख रहे हैं इतना क्लियर है, इस तरीके का रहना चाहिए इस साइड, तो ये सर के लीकेज हो गया है, इस वजह से गैस निकल जाती थी। देख लीजिए कूलिंग कॉइल दिख कैसा रहा है, यहाँ से इसका ज्वाइंट दिया है एक ज्वाइंट, और पीछे सेंसर है। तो चलो फिर इसको मैं नया वाला कूलिंग कॉइल फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखा देता हूँ। फाइनली जूनी वाली कॉइल निकाल के इसका एक्सटेंशन वाल का ज्वाइंट जो रहता है यहाँ खोल दिया हूँ, और ये रही नई वाली, तो नई वाली को मैं फिटिंग करता हूँ, जूनी वाली देख लीजिए आप, ये रही नई वाली 3500 में आ गया अपना ये कॉइल, 3000 से 3500 के बीच आएगा। टाइप 6 है। तो चलो फिर मैं ट्रे में फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली एक ऑपरेटर कॉइल नया वाला फिटिंग कर दिया हूँ इसमें मैं, ये रिजूनी वाली। अब मेरे को हीटर कॉइल भी देख लीजिए, हीटर कॉइल बैठाने का बाकी रहा, हीटर कॉइल इस साइड बैठेगा, ये वाली कॉइल में डाल देने का, हीटर कॉइल भी बैठ गया। तो चलो फिर यहाँ एक पट्टी रहती है, फाइबर रहता है, वो लगा करके फिटिंग करके फिर आ गया आपको दिखाता हूँ मैं। तो फाइनली पूरा फिट कर दिया हूँ, देख रहे हैं आप फिट हो चुका, तो चलो फिर मैं गाड़ी में इसको फिटिंग करता हूँ, गाड़ी के अंदर फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बैठा दिया हूँ, देख रहे हैं आप। तो चलो फिर इसमें
डैशबोर्ड में डाल देता हूँ अंदर, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। फाइनली डैशबोर्ड डाल दिए, डैशबोर्ड डाल चुका हूँ। अब प्रॉपर तरीके से सब सॉकेट वगैरह सब फिटिंग करता हूँ। ये पहले ही मैंने फिटिंग कर दिया था जब क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट बाहर निकाला था, और पहले मैं आपको इसको अलग करके खोल के दिखाया था, और अभी इसको साथ में ही फिटिंग कर दिया हूँ। तो चलो फिर बाकी का सब फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। सब खुला पड़ा है, सब फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली अपना डैशबोर्ड फिट हो गया है, देख रहे हैं आप, प्रॉपर तरीके से फिट कर दिया हूँ। और बाहर मैं इसको वैक्यूमिंग में भी लगा दिया हूँ, बाहर का भी सब फिट हो चुका है प्रॉपर तरीके से। बाहर तो कुछ ज़्यादा खोलना नहीं पड़ा था, सिर्फ हीटर और एक्सटेंशन वाल का ज्वाइंट खोलना पड़ा था ये वाली, और इसको मैं वैक्यूम में लगा दिया हूँ, देख रहे हैं। 10 मिनट के लिए लगाया था वैक्यूम, तो वैक्यूम कंप्लीट होने को आया, तो कंप्लीट होने देते हैं, इसको गैस चार्जिंग में लगा देते हैं, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली वैक्यूम कंप्लीट हो चुका, गैस फिलिंग को ले लेता हूँ 450 ग्राम गैस, और उससे पहले ऑयल मार देता हूँ थोड़ा सा 50 ml। गैस फिल हो चुका, तो चलो फिर अंदर आप गाड़ी चालू करके कूलिंग टेम्परेचर वगैरह दिखाता हूँ मैं आपको। तो फाइनली मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ, गाड़ी चालू है अभी, एसी चालू रखा हूँ, एसी ऑन है, कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 10.9। ट्रिप हो चुका, यानी धीरे धीरे आएगा, ड्रॉप होगा, कूलिंग टेम्परेचर और भी नीचे आएगा। तो बाकी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर हो चुका है, और मैंने इसका आपको डैशबोर्ड खोल के इवापोरेटर कॉइल रिप्लेस करके दिखाया, कैसे कैसे क्या क्या खोलने का रहता है, क्या क्या खोला मैं, वो आपके सामने सब आपको मैंने दिखाया। तो हेलो दोस्तों, इस तरीके के वीडियो से आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरे को लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब ना करना ना भूले, लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे खुशी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बनते हैं, चलो अपन जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।